हेलो स्टूडेंट्स त्रिसा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं जैसा कि मैं आप लोगों के लिए टीजीटी और पीजीटी के मेरे जो स्टूडेंट जो कि अंग्रेजी विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने वीडियो देना आरंभ किए हैं जिसमें कि आ, मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना इस्टार्ट किया है तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अब तक मैं आपको दो क्लास ले चुका हूँ वीडियो फर्स्ट वीडियो सेकेंड जिसमें मैंने पहली क्लास में आपको ड्रामा एंड इंट्रोडक्शन दूसरे में टाइप्स ऑफ ड्रामा में कॉमेडी के बारे में बताया था और आज भी उसी सेकंड वीडियो की कॉन्टिन्यूशन यानी कि मैं उसी सेकंड वीडियो को थर्ड वीडियो में लेकर आता हूँ कॉमेडी एंड इट्स टाइप्स जैसा कि लिखा हुआ है उस पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉमेडी की डेफिनेशन बताई थी साथ ही साथ कॉमेडी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म तो दो प्रकार मैंने आपको बताए थे एक क्लासिकल कॉमेडी दूसरा रोमांटिक कॉमेडी और आज हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट तो देखिए लिखा हुआ है क्लास थर्ड कॉमेडी एंड इट्स टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा इसलिए इधर उधर की बात नहीं करूँगा डायरेक्ट सीधा वीडियो स्टार्ट करता हूँ लिखा हुआ है पहला द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स तो देखिए ये क्या होता है समझने की कोशिश करिए कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स पर रिटिन चीफली बाई बेन जॉनसन अगर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की बात करें अंग्रेजी साहित्य में तो सब मुख्य रूप से किसने लिखी है बैन जॉनसन साहब ने जो कि शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी राइटर थे एलिजाबेथन एज के हु यूज द टर्म ह्यूमर इन इट्स मेडिकल सेंस जिन्होंने कि इस ह्यूमर शब्द का इस्तेमाल इसके मेडिकल सेंस में किया है इन विच इट रेफर्स टू द फोर फ्लूट्स ह्यूमर जो है वो चार फ्लूट्स को कहा जाता है ऑफ द ह्यूमन बॉडी मनुष्य के शरीर के और वो चार फ्लूट्स हैं आपके ब्लड फ्लैगम येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल कौन कौन से चार ह्यूमन बॉडी के चार फ्लूट्स के बारे में बताया गया है ब्लड फ्लैग येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल इट इज़ ए मेडिकल टर्म विच वॉज यूज इन ग्रीक मेडिकल साइंस और मैं आपको बता दूँ यह एक मेडिकल टर्म है ह्यूमर शब्द जो है वो एक मेडिकल टर्म है जिसमें ये चारों फ्लुइड्स आते हैं ह्यूमन बॉडी के ब्लड फ्लैग येलो बाइल और बाइल ब्लैक बाइल और ये ग्रीक मेडिकल साइंस के टर्म है कहां के साथ ग्रीक मेडिकल साइंस के ये टर्म है ठीक अब क्या है इसमें जैसे कि मैंने आपको कहा कि ग्रीक मेडिकल साइंस का ये टर्म है तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए परसनस फिजिकल मेंटल एंड मोरल कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाई द स्टेट ऑफ हिज ह्यूमर यानी कि मेडिकल जो ग्रीक मेडिकल साइंस है उसके अनुसार एक व्यक्ति की फिजिकल यानी कि शारीरिक मेंटल और मोरल कंडीशंस जो हैं वो वो उसकी स्टेट ऑफ ह्यूमर पर डिटरमाइंड करती हैं पर स्टेट ऑफ ह्यूमर यानी कि जैसी उसकी ह्यूमर की स्थिति होगी वैसी ही उस व्यक्ति की फिजिकल मेंटल और मोरल कंडीशन होगी उसके बाद आगे मैंने लिखा द परफेक्टेड बैलेंस ऑफ द ह्यूमर मीन द आइडियल टेम्परामेंट ऑफ मैन यानी कि अगर बात करी जाए तो ग्रीक मेडिकल साइंस में ये माना जाता है कि जितना जिस व्यक्ति का ह्यूमर का बैलेंस परफेक्ट होगा उस व्यक्ति का टेम्परामेंट भी उतना ही आदर्श होगा आइडियल होगा अब देख लेते हैं आगे क्या लिखा है एवरी मैन इन इज ह्यूमर 1598 नाइनटी एट जॉनसन इज द बेस्ट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर अगर आपको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा एवरी मैन इन एज ह्यूमर इस प्ले में के नाम में ही ह्यूमर शब्द आया है जो कि 1598 में आया बेंजामिन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है ये आप कह सकते हैं बेस्ट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है जॉर्ज चैपमैन एंड जॉन फ्लेचर आर द अदर राइटर्स ऑफ दिस कॉमेडी अगर हम बात करें कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की तो दो और राइटर हुए हैं अंग्रेजी साहित्य में जिन्होंने की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स लिखी तो उनमें नाम आता है जॉर्ज चैपमैन और जॉन फ्लैचर साहब का ठीक तो ये है आपकी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर दूसरा चलते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स ठीक ये सब ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट हैं ध्यान रखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट के आधार पर जो कॉमेडीज होती हैं तो उन कॉमेडीज को मैं इस वीडियो में समझा रहा हूँ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स की अगर बात करते हैं तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स डेवलप्ड इन द रिस्टोरेशन पीरियड सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखा करिए इन पॉइंट से ही क्वेश्चन बनते हैं कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं आते तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है इसका डेवलपमेंट हुआ रिस्टोरेशन पीरियड में इट इज़ रियलिस्टिक इन नेचर अगर हम बात करें बाई नेचर ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो होती हैं वो रियलिस्टिक होती हैं डिस्क्राइब्स द लाइफ मैनर्स बेस लव इंट्रोड्यूस एंड फॉपरी ऑफ द अपर क्लास ऑफ सोसाइटी दूसरी बात यह है कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स होती हैं भी ये बाई नेचर रियलिस्टिक होती हैं और जो आप कह सकते हैं अपर क्लास सोसाइटी रिस्टोरेशन पीरियड की थी उनमें जो आ, उन लोगों के जीवन का की जीवन उनके तौर तरीके उनके वेज़ उनके लव इंटरव्यूज़ उनका व्यर्थ का दिखावा ये सब चीज़ें कॉमेडी ऑफ मैनर्स के माध्यम से जो राइटर्स थे उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि रिस्टोरेशन सोसाइटी में लोग किस प्रकार से रहा करते थे ख़ासतौर से एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी अपर क्लास सोसाइटी के लोग कितना दिखावा करने में विश्वास करते थे और किस प्रकार से उनके मैनर्स हुआ करते थे ठीक आगे इसी में लिखा है द पर्पज ऑफ दिस कॉमेडीज़ बॉस टू मिरर द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जैसा कि मैंने कहा कि इनका आरम्भ आपका हुआ है जो रिस्टोरेशन पीरियड में है तो इन उद्देश्य इन कॉमेडीज़ को लिखने का था कि समकालीन समाज का आईना दिखाना मिरर ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी उसके बाद दिस कॉमेडीज शो द अपर क्लास यंग मैन एंड वुमेन हु आर बिजी इन सेंसलेस स्कीम्स एंड प्लान्स टू रियम देयर राइवल्स इन लव इन कॉमेडीज में दिखाया जाता है कि किस प्रकार से अपर क्लास के यंग मैन और वुमेन जो कि सदैव बिजी रहते हैं काय है में सेंसलेस स्कीम्स में और प्लान बनाने में वो भी सेंसलेस स्कीम और प्लान काय के लिए होता है रियून देयर राइवल्स इन लव यानी कि अपने जो राइवल्स होते हैं प्रेम संबंध में उनको बर्बाद करने का ठीक आगे बात आती है सेटायर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स अगर कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात करें तो व्यंग यानी कि सैटायर जो है वो इसका इंटीग्रल पार्ट होता है इट नेवर ग्रोज बिटर और ये सेटायर जो होता है वो कभी भी बिटर नहीं है कड़वाहट से बड़ा नहीं है इट ओनली मेक्स वन ऑफ हॉलेज बल्कि ये इस प्रकार का सेटायर होता है कि जो करेक्टर्स दिखाए जाते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स में जो वे फॉलीज़ करते हैं गलतियां करते हैं उनका मजाक उड़ाने का काम इस सेटायर के माध्यम से होता है नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है विलियम कांग्रीव जॉर्ज ऐथगर बैनबर्ग और जॉर्ज फेरक्यूअर आर द फेमस ड्रामेटिस्ट ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स अगर कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात करें तो विलियम कांग्रीव सबसे बड़ा नाम है कॉमेडी ऑफ मैनर्स को लिखने में और जॉर्ज ऐथकर साहब बैनबर्ग साहब जॉर्ज फेरक्यूअर साहब ये फेमस ड्रामेटिस्ट हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स के तो ये दूसरी कॉमेडी हुई आपकी कंटेंट के आधार पर पहली हो गई कॉमेडी ऑफ ह्यूमर और दूसरी हो गई आपकी कॉमेडी ऑफ मैनर्स तीसरी आती है अब द जेंटील कॉमेडी तो जरा ध्यान से समझिएगा इसमें क्या है थर्ड टाइप कॉमेडी का द टर्म जेंटील वाच फर्स्ट यूज बाई एडिसन अगर हम बात करें जेंटिल शब्द का सबसे पहला यूज जो है वो जोसफ एडिसन साहब ने किया इट पोर्ट्रेस द मोर आर्टिफिशियल लाइफ दैन द कॉमेडी ऑफ मैनर्स आप ये कह सकते हैं कि जेंटिल कॉमेडी वो कॉमेडी होती है जिसमें कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स से भी ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइफ को दिखाया जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स में तो आर्टिफिशियल लाइफ ही रिस्टोरेशन पीरियड के लोग जो आर्टिफिशियल लाइफ में बिलीव करते थे लेकिन अगर जेंटिल कॉमेडी की बात करें तो इसमें उससे भी अधिक आर्टिफिशियल लाइफ दिखाई जाती है द मोरल टोन ऑफ द जेंटिल कॉमेडी इज हाउ एवर ऑफ ए हायर नेचर लेकिन अगर बात की जाए तो जेंटिल कॉमेडी में जो मोरल टोन होती है वह कॉमेडी ऑफ मैनर्स की अपेक्षा हायर नेचर की होती है उच्च दर्जे की होती है उसके बाद अगला पॉइंट मैंने लिखा द लाफर एराइजेज नॉट आउट ऑफ द प्लेफुल फैंसीज ऑफ ब्रिलियंट एंड हाईली इंटेलेक्चुअल मैन यानी कि जेंटिल कॉमेडी होती है उसमें जो लाफर होता है यानी कि हंसी होती है वो ना तो आ, प्लेफुल फैंसीज के द्वारा उत्पन्न होती है वो भी कहा कि ब्रिलियंट और हाईली इंटेलेक्चुअल मैन के द्वारा बट आउट ऑफ द अफेक्टेशन ऑफ दिस मैन सोसाइटी बल्कि आप कह सकते हैं लाफर क्रिएट होता है ये जो मैनरिज सोसाइटी यानी कि सो कॉल्ड मैनरिज सोसाइटी है मैनरिज सोसाइटी है उसके अफेक्टेशन से लाफर क्रिएट होता है अगला पॉइंट है द तो जेंटिल कॉमेडी वॉज डेवलप्ड बाई कॉली केवर बाई हिच प्ले द केयरलेस हजबैंड अगर हम बात करें तो जेंटिल कॉमेडी है जो उसका डेवलपमेंट कॉली केबर साहब ने किया और उनका प्ले इसका बेस्ट एग्जाम्पल है उस प्ले का नाम है द केयरलेस हजबैंड कौन सा प्ले है साहब द केयरलेस हसबैंड और ये किसने लिखा है ऑली किबर साहब ने और यहां से आप कह सकते हैं जेंटिल कॉमेडी का आरंभ होता है चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब चौथी आती है यू कॉमेडी आपकी द कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू द कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू ध्यान रखिएगा ये सब कॉमेडी स्काई के आधार पर है कंटेंट के आधार पर ठीक है ना फॉर्म के आधार पर सिर्फ दो ही हैं आपकी क्लासिकल कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी चलिए कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू की बात करते हैं द कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू बिकेम पॉपुलर टुवार्ड्स द एंड ऑफ एटीन सेंचुरी अगर हम कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो ये पॉपुलर हुई आपकी एटीन सेंचुरी के समापन पर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइटर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉमेडी आर अगर हम बात करें कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू के तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर्स हैं उनके नाम हैं फ्लैचर मिसिज बैन एंड मिसिज कैंड फिर से समझ लीजिए कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू जो है अगर उसकी बात करें तो उसका वह पॉपुलर हुई आपकी 18वीं शताब्दी के अंत में आकर और इसके प्रमुख जो राइटर्स हैं उनमें नाम आते हैं फ्लैचर साहब मिसेज बैन और मिसेज कैंट लेवर आगे बढ़ते हैं देखिए इन दिस प्लेस द होल इंटरेस्ट लाइड इन द स्किलफुल मैनिपुलेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ सिचुएशन डेलीकेटली कन्विंस सॉरी कंसीव्ड एंड लीड्स टू इन्यूवरेबल मिस्टेक्स एंड एम्यूजिंग डिनाउंसमेंट आप ये कह सकते हैं अगर इन प्लेस की बात करें तो इन प्लेज में पूरा इंटरेस्ट जो है वो बड़ी ही स्किलफुल मैनिपुलेशन की में दिखाया जाता है एक सीरीज ऑफ सिचुएशन दिखाई जाती है जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कैरेक्टर्स जो हैं वो एक के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी तीसरी के बाद चौथी इन्यूवरेबल मिस्टेक्स यानी कि अनगिनत गलतियाँ करते हैं और एम्यूजिंग डेनाउनमेंट यानी कि लास्ट में आकर एक सुखद पतन हो जाता है इट लैक्स बिट ह्यूमर एंड सैटायर और इस प्रकार की जो कॉमेडी होती हैं आपकी कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू इसमें बिट ह्यूमर और सेटायर की कमी देखने को मिलती है तो फिर से समझ लीजिए ये प्लेस जो होते हैं कॉमेडी ऑफ इंटरव्यूज इसमें बेटा स्किलफुल मैनिपुलेशन दिखाया जाता है साथ ही साथ जो इसमें कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं वो ढेर सारी मिस्टेक्स करते हैं लेकिन ये मिस्टेक्स जो होती हैं वो लास्ट में आकर एक amusing डिनाउन्समेंट यानी कि एक प्रसन्नता दायक एक सुखद अंत की ओर ले जाती हैं और इस प्रकार की जो कॉमेडीज होती हैं उसमें बिट ह्यूमर और सेटायर की कमी देखने को मिलती है चलिए नेक्स्ट आते हैं आप द सेंटिमेंटल कॉमेडी ठीक सेंटिमेंटल नाम ही है जैसे भावनात्मक तो ये कॉमेडी इसको हम भावनात्मक कॉमेडी भी कह सकते हैं तो सेंटिमेंटल कॉमेडी पर देख जरा ध्यान देते हैं द सेंटिमेंटल कॉमेडी ऑफ द एटीन सेंचुरी वॉज इनफैक्ट ए रिएक्शन अगेंस्ट द कॉमेडी ऑफ मैनर्स ऑफ द रिस्टोरेशन पीरियड यहाँ अगेंस्ट होगा तो एक बार फिर से समझ लीजिए सेंटिमेंटल कॉमेडी जो है वो 18वीं शताब्दी की कॉमेडी है यानी यानी कि इसमें अठारहवीं शताब्दी में इस प्रकार की कॉमेडी सामने आई और ये एक प्रकार का रिएक्शन है जो रिस्टोरेशन पीरियड में कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखे गए उनके खिलाफ़ ये एक रिएक्शन के रूप में सेंटिमेंटल कॉमेडी सामने आई जेरमी कॉलिबर एक राइटर है जिनका नाम ध्यान रखिए जेरमी कॉलिबर पब्लिश्ड ए पेम्पलेट जेरमी कॉलिबर ने एक पेम्पलेट पब्लिश की उसका टाइटल था ए शॉर्ट व्यू ऑफ प्रोफेननेस एंड इमोरलिटी ऑफ द इंग्लिश स्टेज विशेष ध्यान रखिए नाम पूछ लिया जाता है लाइन दे दी जाती है और कहा जाता है कि ये किसने ये पेम्पलेट लिखी है तो ध्यान रखिएगा जेरमी कॉलिवर ने एक पेम्पलेट लिखी जिसका उन्होंने टाइटल रखा ए शॉर्ट व्यू ऑफ प्रोफेननेस एंड इमोरलिटी ऑफ द इंग्लिश स्टेज यानी कि किस प्रकार से इंग्लिश स्टेज पर यानी कि अंग्रेजी साहित्य में या ड्रामे ड्रामास के माध्यम से इंग्लिश स्टेज पर किस प्रकार से अनैतिकता दिखाई जाती है इस विषय पर उन्होंने एक पैम्पलेट लिखी बिच अपोज द लाइट हर्ट फन ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स और इस पैम्पलेट में जो लाइट हर्ट फन दिखाया जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का उसका विरोध किया गया सो so, देयर कैम ए चेंज इस कारण से फिर एक परिवर्तन आया द एलिमेंट ह्यूमर वॉज कंप्लीटली ड्रैमन आउट ऑफ दैम अगर हम सेंटिमेंटल कॉमेडी की बात करें तो सेंटिमेंटल कॉमेडी में ह्यूमर जो है वो बिल्कुल बाहर कर दिया गया एंड इट्स प्लेस वॉज टेकन बाई इंटरव्यूज और इसके स्थान पर क्या चीजें आ गई इंटरव्यूज आ गए और मेलो ड्रामेटिक सिचुएशन आ गई क्या आ गई साहब मेलो ड्रामेटिक सिचुएशन यानी कि संगीत में नाटक ड्रामेटिक ठीक इट्स कैरेक्टर्स पर नॉट मैन एंड वुमैन अगर हम बात करें तो सेंटिमेंटल कॉमेडी में जो पात्र दिखाए जाते हैं वो मैन एंड वुमेन ना होकर बट दे एब्स्ट्रैक्शन कंसीव्ड बाय द प्ले राइटर बल्कि आप कह सकते हैं एक प्रकार के मानवीक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि प्ले राइटर प्ले राइट्स अपनी तरह से यानी कि ड्रामेटिस्ट अपनी इच्छा के अनुसार यूज़ करता है इट इज़ सीरियस फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड चूंकि इसका नाम सेंटिमेंटल कॉमेडी है इसलिए और दूसरा बात अभी मैंने बताया कि इन कॉमेडीज में ह्यूमर को बाहर कर दिया गया तो शुरू से लेकर लास्ट तक ये कॉमेडी जो होती हैं वो गंभीर रहती हैं है, द मैन राइटर्स पर अब आप कहेंगे सर गंभीर भी रहती हैं सीरियस भी रहती हैं फिर भी कॉमेडी है तो कॉमेडी का मतलब ये नहीं है कि हंसते रहना अगर हम साहित्य में कॉमेडी की बात करें कॉमेडी का मतलब होता है सुखंत यानी कि जिसका अंत सुखद हो हैप्पी एंडिंग जिस प्ले की हो वो आपकी कॉमेडी कहलाएगी ठीक तो कहानी पूरी सीरियस रहती है शुरू से लेकर लास्ट तक लेकिन अंत कैसा होता है सुखद होता है इसलिए वो सेंटिमेंटल कॉमेडी और इसके मुख्य राइटर्स जो हैं वो हैं आपके रिचर्ड स्टील ह्यूज कैली और रिचर्ड और तो ये आपकी हुई कॉमेडी तो आज के इस टोटल होती हैं उनके बारे में बताया जिसमें कि पहला मैंने आपको बताया कॉमेडी ऑफ ह्यूमर उसके बाद आपको बताया कॉमेडी ऑफ मैनर्स उसके बाद मैंने आपको तीसरी बताई द कॉमेडी चौथी मैंने आपको बताई द कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू और सॉरी तो और लास्ट बताई सेंटिमेंटल कॉमेडी तो ये कुल मिलाकर पांच आपकी कॉमेडीज होती हैं जो कि मैनर्स सॉरी जो कि कंटेंट के आधार पर इनको अलग किया गया है आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक like करें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कुछ सुधार आप चाहते हैं तो आप मुझे अपने सजेशन भी दे सकते हैं तो मैं उनको जरूर कंसीडर करूंगा मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और चैन ऐसा चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके थैंक्स फॉर वाचिंग जय हिंद जय भारत